वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था 400 पार का, वो कहीं ना कहीं अछूता नजर आया है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए कद्दावर नेता, फायर ब्रांड नेता संगीत सोम है। संगीत जी, सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक गठबंधन किया गया, RLD को अपने साथ जोड़ा गया है, NDA का हिस्सा हुई RLD, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा रिजल्ट नहीं देखने के लिए मिला। सिर्फ वो दो सीटें जहां पर RLD के प्रत्याशी थे, ये नहीं देखा गया कि जो RLD के वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हो। दो सीटें बिजनौर और बागपत, वहां तो RLD जीत गई है, लेकिन बाकी की सीटें, मेरठ की बात छोड़ दें, सहारनपुर, नगीना, कैराना, मुजफ्फरनगर, यहाँ पे क्या ऐसा लग रहा है कि क्यों प्रत्याशी जीत नहीं पाए? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो पूरे देश के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि 60 साल के बाद कोई लगातार तीसरे टर्म प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अभी आपने मुझसे पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात करी, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं थोड़ी दिक्कत रही है, वो समीक्षा का विषय है। पार्टी उस पर समीक्षा करेगी, पार्टी के लोग उस पर चिंतन मनन करेंगे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों आया। हाँ, मैं भी ये कहूंगा कि ये चिंतन और मनन दोनों का विषय है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये स्थिति क्यों रही। इस स्थिति की हमें तो लगता है कि लोगों को जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए और इस स्थिति पर काम भी करना चाहिए। RLD से जोड़ के मैंने ये सवाल पूछा था, वो इसलिए क्योंकि बिजनौर और बागपत में तो अच्छा वोट बैंक रहा, क्योंकि वो कैंडिडेट जो थे वो RLD के थे, लेकिन बाकी की सीटों पर क्या RLD का समर्थन नहीं मिल पाया? अब पता नहीं मुझे। हाँ, जैसे हमारा बुढ़ाना में RLD की मजबूत सीट थी, बुढ़ाना हम उसे हार गए। चरथावल भी RLD की मजबूत सीट मानी जाती है, उसे हम हार गए, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि RLD ने समर्थन नहीं दिया। RLD और हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, तो RLD के लोगों ने पूरा काम किया है और वोट भी दिया, लेकिन फिर भी क्यों हारे, ये समीक्षा का विषय है। अच्छा, बहुत सारी सोशल मीडिया पे अब वीडियो वायरल हो रही है, ये कहा जाता है कि महिला मुस्लिम जो है वो वोट देती हैं भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन ऐसी वीडियो वायरल हो रही है कि मुस्लिम समाज वोट ही नहीं देता है, ऐसा क्यों? सरकार की काफी योजनाओं का लाभ मुस्लिम समाज लेता है। देखिए, गलतफहमी है अगर कोई कहे कि मुस्लिम समाज वोट देता है, एक भी वोट नहीं देता। अगर कोई कह रहा है कि मैं देख आया, झूठ बोल रहा है, बिना मतलब की बात कर रहा है, एक वोट नहीं देते। रामपुर में एक गांव है, 300 कुछ मकान सरकार की योजना से बने हैं और एक वोट नहीं निकली, एक बूथ पे एक भी वोट नहीं निकली। अब इसी से आप आइडिया लगा लीजिए कितना देता है मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी को, वोट नहीं देता है, किसी कीमत पर नहीं देता। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है? अब ये तो मुस्लिम समाज के लोगों से पूछना चाहिए, वो क्यों इस तरीके का करते हैं। उन्हें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आज तक जितनी योजनाएं हैं उन सबका अधिकतर लाभ अगर कोई ले रहा है, अन्य योजना का कोई लाभ ले रहा है, गैस के कनेक्शन का किसी ने लाभ लिया है, मकानों का किसी ने लाभ लिया है, शौचालय का किसी ने लाभ लिया है, तो सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज के लोगों ने लिया है। लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते तो विचार निविचय है। आपको तो मिलता है लेकिन वोट? अब मुझे, जो मेरे अपने लोग हैं और जो देशभक्त लोग हैं वो मुझे वोट देते हैं, इसमें कौन सी बात है। अच्छा, मुजफ्फरनगर की सीट पर आ जाते हैं, एक तरह से 1-to-1 मुकाबला समाजवादी पार्टी और BJP का भले ही देखने के लिए मिले, लेकिन एक पीछे की तरफ अगर देखें, आईने के पीछे की तरफ, तो वहां पर ये कहा जा रहा था कि संजीव बालियान और संगीत सोम आमने सामने हैं। संगीत सोम विधायकी का इलेक्शन हारे, संजीव बालियान सांसद का इलेक्शन हारे, क्या कहना है कि ऐसी कोई बात है या सारी अफवाह ऐसी चल रही है? क्योंकि आपके भी बयान आए थे 400 पार का, जब हम आपसे सवाल पूछा तो आपने कहा था 400 पार होगा, लेकिन मुजफ्फरनगर के में आपने गोलमोल कर दिया था। पता नहीं तुम कैसे पूछते हो, जब मैं 400 पार कह रहा था तो मुजफ्फरनगर भी होगी ना उसमें। अब कोई जरूरी है यार मेरी सारी बात ही सही निकले? एक बात सही नहीं निकली भाई, मैं 400 पार कर रहा था लेकिन मुजफ्फरनगर पार नहीं हो पाया, वो एक रहा विषय। लेकिन मेरे पास मुजफ्फरनगर में सरधना की जिम्मेदारी थी, सरधना पे नहीं हारी है। देखिए, देश में 60 साल के बाद फिर तीसरी बार कोई इतने बड़े बहुमत से सरकार बन रही है, ये 60 साल के बाद हो रहा है, और ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का अपना जलवा है, उनका विजन है, उनकी कार्यशैली है, उनके काम करने की जो क्षमता थी, जो उन्होंने देश में काम किए, जो बहन बेटियों के लिए, जो देश के लिए, जो समाज के लिए, जो हर फील्ड में काम किए, ये उसी का नतीजा है कि देश में NDA की पूर्ण बहुमत की सरकार
तीसरी बार बनने जा रही है और इसके लिए देश के वो सभी वोटर्स सभी लोग बधाई के पात्र हैं जिन्होंने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को चुना। समाजवादी पार्टी ने बहुत डेंट दिया इस बार, वो थोड़ा सा रहा है समाजवादी पार्टी का, वो कहाँ हम लोगों की कमी रही हैं, हम लोग उनके पार्टी उन कमियों को तलाशेगी और उन्हें तलाश कर उन्हें सुधार करेगी। 400 पार का नारा था लेकिन 400 पार का नारा के आसपास भी नहीं आ पाए, 300 के पास। तो क्या हम पहले ही कहने लगते कि हम तो 200 पार करेंगे? भाई 400 पार करेंगे हम, ठीक है हम लोगों का 400 पार का नारा था, अपने कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन करने का एक तरीका था, लेकिन हमें उम्मीद थी हम 400 पार करेंगे लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन आप निश्चित समझना 29 में 400 पार ही करेंगे। वेस्ट यूपी में संगीत सोम जी का जलवा काया है, ये देखने को मिला नहीं। संगीत सोम एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और हम सब लोगों ने मिलकर काम किया है, कहीं जीते हैं कहीं हारे हैं, जहाँ हारे हैं उस पर समीक्षा होनी चाहिए, क्यों हारे हैं, क्या कारण रहा है, वहाँ किसकी कमी है, पार्टी की कमी है, कैंडिडेट की कमी है या हम लोगों की कमी है, जिसकी भी कमी है वो देखा जाए। अब मैं बड़बोले तो नहीं कहूँगा, मुजफ्फरनगर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे लेकिन वो हार हुई है तो उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए, क्यों हुई है पूरी समीक्षा होनी चाहिए। सवाल ये है कि 2024 में आपने किस क्षेत्र के अंदर पार्टी के लिए काम किया और वहां का रिजल्ट क्या रहा? देखिए मैंने सब क्षेत्रों के लिए काम किया और खासतौर से अगर मुजफ्फरनगर की भी बात करेंगे तो सरधना विधानसभा नहीं हारी है, बाकी विधानसभा हारे। सरधना विधानसभा जो हमने कहा था कि सरधना विधानसभा नहीं हारेगी, इतने सब कुछ होने के बाद भी सरधना विधानसभा हम बराबर रहे। विधानसभा चुनाव में आपकी हार को लेकर कहा गया कि संजीव बाजान का हार और अब उनकी हार बताया जा रहा है कि संजीव सोम ने पूरी ताकत लगाई उनको हराने की। अब देखिए कहने वाले क्या कहते हैं उससे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं चूंकि सरधना विधानसभा उसी में है और सरधना विधानसभा पे मैंने कहा था यहां हारने नहीं दूंगा, तो ऑलमोस्ट वहाँ हम हारे नहीं है, करीब करीब हम बराबर रहे हैं। भले ही हम बाकी दो तीन हम बुढ़ाना में हार गए, बुढ़ाना में हम बड़ी वोटों से हार गए, हम चरथावल में बड़ी वोटों से हार गए, लेकिन सरधना में नहीं हारे। सरधना मेरी विधानसभा है तो मैंने वो नहीं हारने। तो यही इसी खेल को तो जो संगीत सो में बढ़िया करते हैं, अपने आप से नहीं हराया लेकिन आसपास क्या हरा दिया। अगर मैं ही इतना बड़ा नेता हूँ तो फिर बाकी क्या कर रहे हैं, अगर मैं ही हर जगह खेल कर सकता हूँ। देखिए साहब मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेरी जिम्मेदारी मुजफ्फरनगर लोकसभा में सरधना की थी और सरधना हमने नहीं हारने दी। 45 वोटों का अंतर रहा जो कोई अंतर नहीं होता, ठाकुरों को समझाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करी, लेकिन बिल्कुल ठाकुर समझे और ठाकुरों ने वोट दिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए, एक तरफा वोट दिए। ये शक्ति प्रदर्शन ठाकुर संगीत सोम का था चुनाव से ज्यादा, उस शक्ति प्रदर्शन के अंदर कहीं ना कहीं संगीत सोम कामयाब हुए? नहीं, मैं कोई शक्ति प्रदर्शन कभी नहीं दिखाता, ना कोई शक्ति प्रदर्शन था। शक्ति प्रदर्शन हम पार्टी के लिए दिखाते हैं कि पार्टी का फायदा कैसे हो, और पार्टी का फायदा करना ही हम सब लोगों का काम है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, 2027 में चुनाव आ रहा है, 2027 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बने, सबको इसी के लिए काम करना चाहिए। टिप्पणी करने वाले कौन क्या करता है उस पर मुझसे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। संजीव सोम जी, मेरा ये सवाल है कि ये बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस था या गठबंधन का एकजुटता थी कि उसको वोट मिला और कहीं ना कहीं जो 400 पार का नारा था उसको नहीं होने दिया और मुस्लिम वोटरों का एक तरफा वोट गठबंधन को गया, क्या आप? देखिए जो इंडिया गठबंधन था, जो ठगों का एक ठगबंधन बना था, वो पूरे देश में एक माहौल बना रहे थे कि रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया जाएगा, ओबीसी का आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, एससी का आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा। वो उसे फैलाने में कामयाब नहीं हुए, कुछ हद तक उन्होंने कुछ हमारे भाई बहन थोड़ा सा जिस बिचल गए जिससे थोड़ा फर्क पड़ा है, हालांकि वो ये सब में सफल नहीं हो पाए। भारतीय जनता पार्टी ना किसी आरक्षण को ख़त्म करने जा रही है, ना आरक्षण को कोई छेड़ने जा रहा है। आरक्षण परंपरागत जिस तरीके से चलता आ रहा है उसी तरीके से चलेगा। देखिए हम लोगों को मंथन करने की जरूरत है, अपने कार्यकर्ता जो थोड़े से निष्क्रिय रहे उन्हें किस तरीके से वो सक्रिय हो उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है कि कार्यकर्ता मजबूती से लगे। थोड़ा सा देखा गया कि कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन था, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। जो अपने पार्टनर हैं एनडीए के अंदर, तो जो बड़े मंत्रालय हैं, इस तरीके के मंत्रालय उनके पास जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? ये मेरा काम नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष लीडरशिप का काम है। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, ये जो लोग काम जिनका है वो कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं। आप निश्चित रहिए सरकार बन रही है, 9 तारीख को शपथ होगी, उसके बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा किस पर क्या मंत्रालय जा रहा है। भाजपा के कुछ बड़बोले नेताओं की वजह से कुछ सीटें हारे हैं,
क्या उनको आप समझाना चाहेंगे और अपने कार्यकर्ताओं से क्या अपील? अब बेसिकली अब किसे बड़बोला कहेंगे किसे नहीं बड़बोला कहेंगे ये सब विषय है। आखिर हम जो भी सीट हारे उसे क्यों हारे उसमें जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, हर हालत में होनी चाहिए। किस सीट को हम हारे और किस सीट को किसकी वजह से हारे उसे सजा भी मिलनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ इस बात को। और मेरा कहना यह है कि मेरी जिम्मेदारी सरधना विधानसभा की थी, सरधना विधानसभा पर नहीं हारे, फैजाबाद हारे, अब देखते क्यों हारे उसका भी समीक्षा होगी। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।